हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरस लैब लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर हाई गया था 530.50, लो गया था 511.25 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने रिटर्न दिया है 3.50% का एंड क्लोज हुआ है 528.55 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹28,402.13 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹29,981.23 करोड़ एंड पीई रेशियो है 37.39। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ ₹1,619.66 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका 0.48। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.13। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹14.14, रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.65% एंड आरओसी है 23.52%। ये जो कंपनी है लॉरस लैब्स, इस कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग है 41.65%, प्रमोटर्स का होल्डिंग है 27.27%, FII का होल्डिंग है 21.96% एंड DII का होल्डिंग है 9.13%। और ये जो आपका 27.27% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और ये जो कंपनी है लॉरस लैब्स, ये कंपनी आपका हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 431.54% का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा से ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहली चीज देखिए, इस जगह पे आपका है 14 अक्टूबर 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था। एंड आज के डेट पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिख रहा है, जिस कैंडल ने आपका डेली चार्ट के हिसाब से आपका जो 100 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, ये वाला लाइन, इसको भी आपका तोड़ के ऊपर क्लोज किया है, जो की टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अपटेन हो चुका है, लगभग आपका 60 का जो लेवल है उसके नजदीक भी पहुंच चुका है। और एमएसडी भी देखिए 0.0 से ऊपर ही है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन ही दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹528, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग 3 महीनों में ये शेयर आपका ₹600 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।